बाद हम लोग को कुछ ऐसा ब्यूटीफुल नजारा देखने को मिला। वहाँ पर लोग कुछ फिशिंग कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट वाटर है मेरे पीछे, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है इधर, पानी का आवाज आ रहा है और संडे है तो थोड़ा पब्लिक है। ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर सब पब्लिक है और यहाँ पर पूरा बीच है, पूरा रॉकी है, सैंड नहीं है, लेकिन पीसफुल है। गणित कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल है ना? एकदम। यहाँ पर कुछ लाइव परफॉर्मेंस आपको मैं सुनाता हूँ। Yes, तो अभी हम लोग बढ़ेंगे लाइट हाउस की तरफ, लेट्स गो। ये सामने लाइट हाउस आ गया, हार्डली कुछ 50 फीट चलना है बस, और ये आगे आ रहा है धनित का फ्रेंड। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है वो आइलैंड्स आई है। इसका जो हिस्ट्री है वो करीब 1400 साल पुराना है और सदियों पहले वाइकिंग ने उसको आइलैंड आई का नाम दिया था। काफी सारे फ्लोरा और फना वहां पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी सील मछली भी आपको देखने को इधर मिलेगी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सी बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है, रेगुलर बोट्स वहाँ पर आपको हॉज से मिल जाएगा, तो इजीली आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और वहाँ से चलते 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 यहाँ पर आ गए। पहुंचने वाले हैं ये लाइट हाउस तक, थोड़ा सा ही जर्नी बाकी है लाइट हाउस पर पहुंचने के लिए। ये जो लाइट हाउस है वो 19th सेंचुरी में बना था और आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो पॉकेट बोट्स चलती थी, जो मेल पैसेंजर और गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए बोट यूज होती थी, उसको टर्मिनस दिखाने के लिए ये लाइट हाउस बना हुआ था। क्या फ्रेशनेस है इधर, है ना? तो ये पहुंच गए हम लोग लाइट हाउस, और ये पीछे जो दिख रहा है वो लाइट हाउस है और यहाँ पर पीछे से काफी सारी बोट जा रही है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
इतना सुदिंग एक्सपीरियंस है। जो नीचे बैठ गया है और ध्वनित को इतना अच्छा लग रहा है। ध्वनित को डॉगी बहुत पसंद है ना ध्वनित? तुमको पसंद है ना? हाँ ध्वनित, यू लाइक द डॉग? मस्त, बहुत ज्यादा पसंद है, राइट? यहाँ पर लोग फिशिंग कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन शायद एक भी फिश हाथ में नहीं आ रहा है। लोग जो थे वो आए थे यहाँ से ऊपर से, ये लोग जो चल रहे हैं वहाँ से, और अभी वापस जा रहे हैं तो नीचे से जा रहे हैं। नीचे ये सब बोट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अलग अलग कलर्स है, वाइट और रेड और अच्छा सा मैचिंग मिक्सअप, ब्यूटीफुल लग रहा है। जा रहे वापस, लेकिन खाना कुछ अच्छा नहीं मिला, तो अभी जैना का ध्यान गया यहाँ पर अपाचे पिज़्ज़ा है, तो अभी हम लोग अपाचे पिज़्ज़ा में जा रहे हैं। लेन से हॉस्टल और हम लोग को जाना है इधर
और पाचे पिज्जा में, पिज्जा खाने के लिए। Let's go. मजा है ना ध्वनि और जैना? बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं। ये बहुत हैवी जंक्शन है, H3 नंबर का बस है, वो आएगा। सो यहाँ से वापस जाने के लिए दो ऑप्शन है, बस और डार्ट। तो हम लोग ने बस सिलेक्ट किया है बिकॉज डार्ट जो है वो और ज़्यादा टाइम, डार्ट मीनिंग ट्रेन, सो ट्रेन में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा और 15 मिनट वेट करना है। तो अभी के लिए हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। सी यू, यस, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और आपके फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो ये ब्यूटीफुल जो हॉट सीनरी है, हम लोग का ट्रिप है, वो उनको भी होपफुली मजा आएगा। बाय बाय। Oh,